हेलो मेरे प्यारे कनकियंस, इस बारिश के मौसम में बहुत भजिया, वड़ा पाव और समोसे खा लिए। बच्चे भी अब बोर हो चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना समोसा को ट्विस्ट दिया जाए। तो आज हम मेरे दो फेवरेट रेसिपीज समोसा और स्प्रिंग रोल का फ्यूजन करेंगे। अब बारिश के मौसम में मार्केट जाके सामान लाना एक बड़ा टास्क है, इसलिए मैं अपने सारे इंग्रेडिएंट्स स्विगी इंस्टामार्ट से ही ऑर्डर कर लेती हूँ। इंग्रेडिएंट्स फ्रेश भी होते हैं और झटपट कुछ ही मिनटों में डिलीवरी भी हो जाती है। स्विगी इंस्टामार्ट से आप 4000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, नमकीन एक्सेट्रा ऑर्डर कर सकते हो। सुबह 6 बजे से लेके लेट नाइट तक के ये डिलीवर करते हैं। और क्या चाहिए, है ना? ये लो मेरे इंग्रेडिएंट्स भी फटाफट आ ही गए, तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम परात में लेंगे 2 कप मैदा। आप चाहें तो इसके बदले आटा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर दोनों आधा आधा यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे मोयन। तो मोयन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 3 टेबलस्पून तेल। आप चाहें तो इसके बदले घी भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेक्स्चर आता है और खस्तापन आएगा, या फिर दोनों आधा आधा आप यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, और ये देखिए बिल्कुल थोड़ी सी मैं अजवाइन डाल रही हूँ उसको क्रश करके। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस खस्ते में। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, जैसे कि मोयन लग जाए अच्छे से आटे में, तो ही तो वो खस्तापन आएगा फ्राई करने के बाद। और देखिए जब मैं इसे मुट्ठी में बांध रही हूँ तो हल्का सा बन रहा है, इसका मतलब जो मोयन हमने इसमें डाला है वो एकदम परफेक्ट है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है आप थोड़ा सा और तेल या घी डाल सकते हैं। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसका आटा गूंथ लेंगे। तो आटा हमें कैसा चाहिए, सेमी सॉफ्ट। बहुत पतला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए वरना वो तेल पी लेगा, और बहुत कड़क हुआ ना तो खस्तापन नहीं आएगा। तो समवेयर इन बिटवीन हमको इसका सेमी सॉफ्ट आटा गूंथना है। ये देखिए मैंने इकट्ठा कर लिया, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हल्का सा सॉफ्ट है लेकिन थोड़ा सा कड़क भी है, बिल्कुल ऐसे ही कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, तो ही वो परफेक्ट समोसा शीट्स बनेंगे। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा तेल ड्रिजल करके इसको चारों तरफ से कोट करके और इसके ऊपर हल्का गीला कपड़ा डाल के साइड में रख देंगे रेस्ट करने के लिए कम से कम 15-20 मिनट के लिए, ताकि ये ड्राई ना पड़े। तो जब तक आटा रेस्ट कर रहा है चलिए इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। जिसके लिए बोल में मैं ग्रेट कर रही हूँ आलू, तो करीबन 4 से 5 आलू लिए जिसको मैं इसे ग्रेट करके डाल रही हूँ। ग्रेट करने से बहुत ही अच्छा और इवन टेक्स्चर आता है, आप चाहें तो मैश करके भी डाल सकते हैं। तो सारे आलू मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिए। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो यहाँ पे फाइनली चॉप्ड अदरक और लहसुन भी डाल सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर। 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर। थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर। 2 से 3 हरी मिर्चें या जैसा स्पाइसी और चटपटा आपको पसंद हो। 1 टीस्पून नमक। और साथ ही मैं डाल रही हूँ बस 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर। बाइंडिंग के लिए थोड़ी सी फ्रेश धनिया भी डालेंगे और इसे भी मिक्स करेंगे। इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ना कोई भी कुकिंग की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है आपको इस मसाले के लिए, जैसे कि नॉर्मली हम दूसरे समोसे के लिए करते हैं। पर आप चाहें तो इसको कुक करके तड़का भी डाल सकते हैं। तो ये मसाला बस रेडी हो गया है। अब अपने हाथों में थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लेंगे और इसके छोटे छोटे ओवल्स बनाएंगे। ये देखिए इतने शेप के मैं बना रही हूँ, आप चाहें तो बड़े छोटे भी कर सकते हैं, लेकिन इतना जो शेप है ना परफेक्ट हो जाता है, वो आपको आगे पता चलेगा कि कितना बड़ा मैं स्प्रिंग रोल बनाने जा रही हूँ। तो इसी तरह से सारे कटलेट्स बना लेंगे, यानी कि ओवल्स बना लेंगे और इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे मैदे का घोल। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून मैदा। इसमें बस 1 से 2 टेबलस्पून ही पानी डालेंगे और इसका गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। पतला स्लरी नहीं करना है, गाढ़ा चिपचिपा सा होना चाहिए। ये देखिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, एकदम ऐसे चिपचिपा स्टिकी स्टिकी जैसे फेविकॉल होता है ना, बिल्कुल वैसा ही चाहिए, क्योंकि हमको इससे आगे चिपकाना है समोसों को। तो चलिए आटा भी चेक कर लेते हैं। करीबन 20-25 मिनट हो गए, अच्छे से सेट हो गया। इसको फिर से नीड कर लेंगे, फिर से गूंथ लेंगे 1-2 और मिनट के लिए, ताकि और सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए। और अब इसको छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे, नॉर्मली जैसे आप छोटी पूड़ी बनाते हैं ना, बस उतना पोर्शन। और फिर थोड़ा सा सूखा आटा ले लेंगे किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर या फिर चकले के ऊपर, और इसको रोल करेंगे ऊपर की तरफ, मतलब कि हमको एक लंबा शीट चाहिए, ओवल शीट। ये देखिए कैसे मैं बना रही हूँ, लंबा और ओवल होना चाहिए। और मैं आपको इसकी थिकनेस भी फ्रेंड्स दिखा देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। एकदम पतली रोटी होती है ना वैसा है, मतलब बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत मोटा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना ये रोल जो है ना एकदम कच्चा रह जाएगा। ये देखिए लंबा ओवल बनाने के बाद जो हमने कटलेट बनाया था उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और ये देखिए फिर मैं क्या कर रही हूँ, जो ग्लू हमने, जो स्लरी हमने बनाया था उसको लगा देंगे लेफ्ट और राइट में। तो इस तरफ और इस तरफ लगा लीजिए,
और उसके बाद ये जो एंड है ना ऊपर की तरफ जहाँ पे हम रोल को खत्म करने वाले मतलब बंद करने वाले वहाँ पे भी थोड़ा सा लगा लीजिए ताकि हम इसको अच्छे से चिपका सके। और अब ऊपर की तरफ ऐसे स्लिट्स देते जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस स्लिट्स की वजह से इसका जो लुक है ना इतना मज़ेदार और प्रेजेंटेबल आएगा कि लोगों को ऐसा लगेगा कि कितनी ज़्यादा आपने मेहनत डाल दी है। और अब हम क्या करेंगे, ये देखिए जो इस तरफ का है पार्ट इसको थोड़ा सा खींच के अंदर की तरफ ले लेंगे, जैसे आलू अंदर चला जाए, साइड से दोनों को फ्लिप कर लेंगे अंदर की तरफ नॉर्मली जैसे हम स्प्रिंग रोल को बनाते हैं, और इसको थोड़ा थोड़ा सा दबाते जाएंगे और चिपकाते जाएंगे और धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेते जाएंगे। बिल्कुल टाइट रोल हमें बनाना है, इसमें कोई हवा नहीं छूटनी चाहिए। तो ऐसे टाइट करते करते ऊपर चले जाइए और ये देखिए जब आप एंड में आएंगे तो इसको ऐसे रोल रोल कर दीजिएगा प्लेटफॉर्म के ऊपर ताकि वो अच्छे से स्मूदन आउट हो जाए। और ये देखिए मैं आपको क्यों बोल रही हूँ इसको अच्छे से दबाने, जो साइड जो लास्ट का एंड है ना वो अच्छे से चिपकना चाहिए। अगर वो नहीं चिपकेगा तो वो तेल में जाके खुल जाएगा और आपका जो आलू है बाहर निकल जाएगा और पूरी आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। और उसके बाद ये देखिए जो साइड्स है ना इसको भी अंदर की तरफ ऐसे फ्लिप कर दीजिए ताकि जो थोड़े बहुत कोने रह गए वो भी अच्छे से सील हो जाए। तो ये देखिए ये एक समोसा या फिर एक स्प्रिंग रोल एकदम कम्प्लीटली रेडी हो गया, चारों तरफ से अच्छे से सील हो गया और बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं आपको जल्दी से एक और बना के दिखाती हूँ। देखिए सारे रेडी हो गए। आप चाहें तो इसको 3 से 4 दिनों तक के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, कोई भी एयर टाइट कंटेनर में अच्छे रहते हैं। और अगर आपको फ्रीज करने हैं तो आप इसको फ्रीज़र में भी डाल सकते हैं, वहाँ पे तो 1 महीने तक के बिल्कुल ख़राब नहीं होते और ये बहुत मज़े के बनते हैं फ्रेंड्स, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए जो तेल है ना मैंने पहले मीडियम हाई फ्लेम पे गरम कर दिया था और उसके बाद मैंने लोएस्ट पे कर दिया है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए जैसे मैं एक एक करके ये रोल डालते जा रही हूँ ये तुरंत से ऊपर नहीं आ रहे, हल्के हल्के सिजल आ रहे साइड से, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हम समोसा फ्राई करते हैं ना उसी तरह से। तो एक एक करके सारे इतने ही तापमान में डालते जाएंगे और इसको फ्राई करेंगे करीबन 5 से 6 मिनट के लिए या फिर जब तक कि बढ़िया से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी करारे ना हो जाए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ऊपर आने लगेंगे और जब आपको ऐसा लगेगा कि इनका शेप होल्ड हो गया, एकदम कायम हो गए हैं और अभी टूट फूट नहीं रहे, तब आप जो गैस का फ्लेम है हल्का सा मीडियम कर सकते हैं। ये देखिए आपको देख के पता चल रहा होगा कि अब ये टूटने वाले नहीं है, अच्छे से फ्राई हो गए, तो बस हल्का सा गैस का फ्लेम बढ़ा दीजिएगा। और अगर आपको एग्जैक्टली देखना है कि समोसे कैसे फ्राई होते हैं तो फ्रेंड्स मैंने ऑथेंटिक समोसा और कचौरी भी बनाई है मेरे चैनल में, आप उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए हल्के से गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया, लेकिन मुझे हल्का सा और डार्क कलर चाहिए तो मैं थोड़ी देर और फ्राई कर रही हूँ जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो फ्रेंड्स आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बस आटा गूंथना है और आलू की जो स्टफिंग है उसको हमें पकाना भी नहीं है। और इसका जो शेप आता है ना वो इतना प्रेजेंटेबल आता है कि ऐसे लगेगा आपको मज़ा ही आ जाएगा, लगेगा बहुत कुछ खस्ता और क्रिस्पी आपने कुछ बनाया है इस बारिश के मौसम में। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया, बिस्किट कलर जैसा, क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन फ्रेंच फ्राइज जैसा, क्योंकि बच्चों को तो ये कलर बहुत पसंद है। तो इस स्टेज में मैं इनको निकाल दूंगी और इसी तरह से सारे स्प्रिंग रोल्स तैयार कर लेंगे। अच्छा मैं इनको ऐसे छन्नी में निकाल रही हूँ, उससे क्या होगा इसकी जो एक्स्ट्रा हीट है वो नीचे से निकल जाएगी तो ये जल्दी से नरम नहीं पड़ेंगे। अब मैं आपको इसका क्रंच भी सुनाती हूँ। तो बस इसको गर्मा गर्म परोसेंगे चटनी सॉस या फिर कोई भी फेवरेट डिप के साथ। बन गए हमारे बढ़िया से गर्मा गर्म स्प्रिंग रोल समोसे, आपको भी मन कर रहा है ना इसे बनाने का, फिर बना लीजिए देरी किस बात की, स्विगी इंस्टामार्ट से सारे इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर करके कुछ ही मिनटों में डिलीवर हो जाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम ऑर्डर करते हैं स्विगी इंस्टामार्ट से तो मेरा कूपन कोड बाय नाउ यूज कीजिए और आपको 50% या फिर ₹100 का ऑफ मिलेगा अगर आप ₹175 से ऊपर का फर्स्ट ऑर्डर करते हैं। तो मेरे कहने पे एक बार जरूर ऑर्डर करके देखिएगा स्विगी इंस्टामार्ट से। चलिए मैं अपने स्प्रिंग रोल्स एंजॉय करती हूँ और मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।